वेरी लॉन्ग लाइन। सो वेरी गुड मॉर्निंग पीप्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है बड़ा ही स्पेशल दिन, क्यों? क्योंकि कल हमने स्लॉट बुकिंग किया है, तो आज जा रहे हैं फॉर वैक्सीनेशन, दैट इज को वैक्सीन। वो वैक्सीन कोविशील्ड मैंने देखा नहीं क्लियरली। तो आई एम गोइंग टू ओलंपिया हीरानंदनी, जहाँ पे बृहन मुंबई महानगर पालिका ने वैक्सीनेशन सेंटर ओपन किया है। सो आई हैव माय आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स विद मी, क्योंकि वहाँ पे आपको वेरीफाई करेंगे एंड देन आई विल गो फॉर माय वैक्सीनेशन। पहले ही थोड़ा जाना पड़ेगा क्योंकि जल्दी जल्दी डोजेज ख़त्म हो जाते। तो चलिए हमारे वाहन में हम बैठ के निकल लेते हैं। अरे चाबी की तरह चलो निकल पड़ता। डॉक्यूमेंट्स अंदर रखना भूल गया था, अभी वो रख लिया, अभी निकल पड़ता। बारिश की वजह से स्कूटर बंद पड़ जाती है। अभी देख, एक बार में तो चालू होती नहीं है, चेक कर। तो ओलंपिया के बाहर पहुंच चुका, अभी स्कूटर पार्क हो चुकी है, अभी जाते हैं। तो हेलमेट रखते रखते मैं भूल गया था कि डॉक्यूमेंट्स लेने वापस भूल के ले लिए। अभी मुझे ऑलरेडी बहुत दूर से एक लाइन दिख रही थी लंबी, अभी वो पीछे आप देख सकते हो, पोस्टर भी है बृहन मुंबई का वैक्सीनेशन सेंटर। सो वैक्सीनेशन के लिए देखते हैं कितनी लंबी लाइन लगती है, कितना लीक होता है। एंड आई कैन ऑलरेडी सी अ लॉन्ग लाइन, आपको भी दिखा देता हूँ। ऑलरेडी अ वेरी लॉन्ग लाइन, लाइन में आके खड़ा हो गया, पीछे आगे सब जगह पे गर्दी है। अभी 10 बजे से चालू होने वाला, एक्चुअली पहले आके रुकना पड़ रहा है। देयर इज अ मोमेंट इन द लाइन, थोड़े थोड़े करके अंदर ले लो लोगों को। दैट गाय देयर इज गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस और आई थिंक सो। वैक्सीन तो आपके हाथ पे लगाने वाले ऑन द अपर साइड ऑफ योर हैंड्स, तो थोड़ा स्लीव शॉर्ट स्लीव या स्लीवलेस पहनने बोलते हैं। मैं अपना स्लीवलेस टी शर्ट ही पहन के आ गया। फाइनली जल्दी जल्दी जाता हूँ और पास हो चुके। मुझे पता नहीं था कैसे डाउनलोड करते, एक बंदे ने बता दिया। आगे की स्टोरी आगे जाके बोलते हैं। वहाँ पे एक्चुअली कार्ड बना रहे हैं जो लोग ऑनलाइन में हैं, बहुत लोग हैं बाहर। एक्चुअली ऑफलाइन की भी लाइन पड़ी है। हुआ क्या, मैं वहाँ पे दूसरे लाइन में रुका हुआ था एंड मुझे बाद में पता चला कि वो ऑफलाइन वाली लाइन है। तो वो इंसिडेंटली बंदे ने मुझे देखा, वो अंदर का स्टाफ था, तो ही आज में तुम्हारा बुकिंग है? बोला हाँ है। तो वो बोला हाँ चलो बुकिंग है तो बताओ। बोला अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने समवे आई डाउनलोडेड द बुकिंग, वो लकीली हुआ एंड देख रहा हूँ कि बुकिंग के लिए कोई लाइन ही नहीं है फटाफट आगे। तो वहाँ पर टोकन बना रहे और फिर यहाँ पर भेज रहे, तो वापस सेकेंड लाइन में बैठना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे उस साइड में टोकन है, यहाँ पे टोकन की रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वैक्सीनेशन हो गया, आधा घंटे का टाइम ओवर हो गया, स्टैंड बाय और अभी घर पे रहते हैं। सो आपने तो देख लिया है कि
आफ्टर आई लेफ्ट. सो मैं बोलते बोलते मैं निकल गया, आगे मेरा रिकॉर्डिंग हुआ नहीं. तो आई वॉज कॉट अप इन सम वर्क एंड मैं घर पे आया और निकल गया. तो अभी सिंस वैक्सीन जस्ट जस्ट था तो इशू नहीं था. एंड उन्होंने बार बार बोल दिया कि एक आपको लगे फीवरिश कुछ तो डोलो 650 ले लेना. सॉरी अब थोड़ा कफ हो. सो बोला 650 ले लेना. एंड आई थॉट कि ठीक है मैं रुक जाता हूँ, आई विल लेट माय बॉडी, मतलब बॉडी को खुद से रिएक्शन होने दो, ये मेडिसिन पे डिपेंडेंट मत हो एंड ऑल दैट. तो ठीक है मैं रुका रहा. सो बाय द टाइम मतलब शाम तक, शाम अराउंड 6-7 और सो मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं बैठा था घर में. एंड आफ्टर दैट स्टार्टेड माय बॉडी रिएक्टिंग. सो आई स्टार्टेड फीलिंग सम वीकनेस, आई हैड अ फीवरिश फीलिंग. तो ये हुआ एंड करते करते बाय द टाइम रात होने लगी, ये चीज़ें बढ़ने लगी. ठीक है करते 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 एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रात में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया. तो मैंने ले लिया फाइनली, बट रिएक्शन होने में टाइम लेगा और ऑलरेडी वो चीज़ बहुत बढ़ने लग गई थी. तो तब तक मतलब आई वॉज डाउन विथ फीवर, हैवी फीवर, आई कुडंट मूव, मतलब आई हैड अ वेरी हैवी हेड. सो मॉम डैड सब रात भर बैठे रहे मेरे लिए. एंड बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा बुखार उतरा एंड आई वॉज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नॉर्मलिश अगेन. सो द स्टार्टेड द वैक्सीन जिस दिन लिया था उस इवनिंग से स्टार्ट हुआ एंड इट वेंट टिल द नेक्स्ट आफ्टरनून. आफ्टरनून के बाद से नॉर्मलाइज होना चालू हो गया मेरा बॉडी बहुत हद तक. तो यही हुआ. एंड ये तो जून के टाइम पे लिया था. सो अभी करंटली सेकंड वैक्सीन मैं ले चुका हूँ. सिंस आई एम रिकॉर्डिंग दिस इन दिसंबर तो मैं आपको बता रहा हूँ. सो आई टुक द सेकंड वैक्सीन एज वेल इन सितंबर. तो वैक्सीनेशन मेरा हो चुका है सेकंड टाइम, कुछ रिएक्शन नहीं हुआ है. सेकंड टाइम आई जस्ट वेंट टुक द वैक्सीन, आई केम होम एंड इमिजिएटली अपनी गलतियों से सीखा. आई टुक अ डोलो 650 इमिजिएटली एंड आई डेंट हैव एनी रिएक्शन. सो हाँ, और साथ में सिंस आर्म इंजेक्शन दिया था तो आई हैड अ माइल्ड पेन सो ऑन माई आर्म, बट निकल जाता है वो. तो दिस वॉज द एंटायर बैक लॉग्स जो मैं निकाल रहा हूँ. वेल आप लोग भी जब वैक्सीन लोगे तो यू शुड नो कि क्या करना चाहिए. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन की लोगे तो इमिजिएटली मेडिसिन जो लोग वो सजेस्ट करते हैं ले लेना, अपने हिसाब से मत करने जाना जो गलती मैंने की है. फर्स्ट टाइम बहुत लोगों को रिएक्शन नहीं होता, बहुत लोगों को बहुत गंदा रिएक्शन हो जाता है. तो फॉर श्योर ले लेना, आपको कुछ भी लगे, आपको लगे ना लगे ले लेना. तो वेल इफ़ यू फाउंड दिस समथिंग इन्फॉर्मेटिव क्या कैसे है. अभी तो फिर भी बहुत रूल्स चेंज हो चुके हैं, यू कैन वॉक इन और स्लॉट्स वगैरह जो भी आ रहे हैं आप देख लो. एनी वेयर इट इज़ फ्री स्टिल, गवर्नमेंट का अगर मिल रहा है तो फ्री है. एंड अदरवाइज इफ़ इट इज़ पेड इट कॉस्ट अराउंड 670-680 कुछ तो है. द वन आई टोक इज़ कोविशील्ड, तो आपको मिले तो बेटर है. ठीक है तो यहाँ ही मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ. एंड पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो. कुछ भी लगे आपको पॉइंट जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, गलत बोला, कुछ भी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बता देना. एंड और क्या बोलूँ, अगर प्रीवियस वीडियोस भी पसंद आए तो उनको भी शेयर कर देना. लेट कंटिन्यू द चेन. तो आप शेयर करो, कोई और शेयर करेगा जिसको पसंद है उस तक पहुँचने दो ये वीडियोस. एंड विद दैट सेइंग आई एम एंडिंग दिस वीडियो. अडियोस अमिगोस, बाय बाय. We'll be right back.